वेलकम बैक टू माई चैनल आदित्य नाइट व्लॉग। एक नया व्लॉग है एंड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ माजाड़ी में मार्क के पुनो कैसे सेलिब्रेट होता है। यस, मैं माजाड़ी यानी कि गोवा के बॉर्डर के पास ही जो है उधर आया हूँ नाना के घर पे एंड इधर बिकॉज मार्क के पुनो, इसलिए मैं छुट्टी लेके आया हूँ कॉलेज से एंड ये भी। सो यस, अभी ये मैं आपको दिखा दूँ कैसे सेलिब्रेट होता है, बहुत मज़ा आता है। सो लेट्स गो। सो ये है उसके पहले दिन का व्लॉग जब ये असेंबल हो रहा था भांड, ये मतलब भांड असेंबल हो रहा था। असेंबल तो हो गया बट अभी हम लोग है भांडी शिट्टा, जगह का नाम है एंड यहाँ से ही भांड की शुरुआत होती है, मतलब पूरा जो यात्रा है मार्केपुन उसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। सो देखिए और इन्जॉय कीजिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो भांडे, तो जो राइट साइड में वो क्वार्टर और वांगड़ ऐसी दो जगह का है उनका है एंड जो लेफ्ट साइड में है वो माजाड़ी ग्राम यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उनका है। सो इनके बीच में कंपटीशन लगता है कि कौन सबसे पहले एंड सबसे आगे रहेगा, तो वो देखने में मज़ा आएगा बहुत कि कौन जीतता है। तो आपको देखने में तो ये बहुत इजी लग रहा होगा बट ये इजी नहीं है बिकॉज इसमें स्टेयरिंग भी नहीं रहता, तो इसको डायरेक्शन देने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको देख ही रहा होगा कि ये लोग कैसे दे रहे हैं एंड ये भी इजी लग रहा होगा बट ये बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत हैवी रहता है। उस दिन भांड को भांडी शिट्टा से दार देव के मंदिर के पास ला के रखते हैं, पूरी रात वो भांड उधर ही रहता है एंड मॉर्निंग में क्या होगा वो आप व्लॉग में आगे देख लेना। यही है दार देव का मंदिर। सो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है जहाँ पे हम लोग भांड को अभी इससे आगे लेके जाएंगे, आप देखना कैसे होता है। भांड को खींचने में तो मैं भी मदद करना चाहता हूँ बट वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमको आगे आके थोड़ा खड़े रहना पड़ा एंड मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। आ
तो अभी हमने बांड को देवती देवस्थान के पास आके रख दिया है एंड 4:30 को आके हम लोग वापस इसको और आगे लेके जाएंगे एंड तभी होगा कॉम्पिटिशन कि कौन फर्स्ट आता है। सो अभी हमने किसी ने भी स्लीपर्स या शूज़ नहीं पहने बिकॉज हम भांड खींचने में मदद करने वाले हैं एंड वो स्लीपर्स एंड शूज़ पहन के नहीं कर सकते इसलिए। हे गाइस सर, हे गाइस ना सो अभी आप देखना कि ये लोग डायरेक्शन कैसे देते बिकॉज स्टीयरिंग तो रहता नहीं है, तो ऐसे लकड़ी डाल के एंड फिर जोर से खींचना पड़ता है रस्सी को, फिर इसका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते हो जाता है। सो अभी आपने जो साउंड सुना आइए आइए यो, तो इसका ये सिग्नल है कि वो बताते हैं जो बीच पे रुके रस्सी खींचने वाले को कि अभी आपको जोर से खींचना है। तो ये क्लैप्स इसलिए कर रहे बिकॉज फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए एंड हम लोग जीत भी गए एंड ये जो फ्लावर्स निकाल रहे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ प्रसाद। सो ये दूसरी बांडे जो अभी तक पहुंची नहीं थी इधर अटक गई थी तो इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केपोनो के दोपहर में खाने में तो ऐसे मीठा खाना रहता है एंड रात को सिर्फ नॉनवेज रहता है सबके घर पे। हाँ